हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 का अपकमिंग एग्जाम है, उसको लेके एक सीरीज शुरू की हुई है। ये वीडियो भी उसी सीरीज का 17th पार्ट है क्वांट का। आज के सेशन में डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 5 सिंप्लीफिकेशन। सभी क्वेश्चन एग्जाम लेवल के, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन का हो सकता है आपको लेवल डाउन लगे, लेकिन इस साल जितनी भी एग्जाम्स हुई उसमें आप देखेंगे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे और दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ये पास में जो बेल आइकन है इसको क्लिक कर लें ताकि जो भी नया वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको चैनल पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले देखिए डायरेक्शंस दी हुई है। ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग। आपको हर क्वेश्चन के नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन मेन क्वेश्चन में है, कुछ स्टेटमेंट फर्स्ट में है, कुछ सेकंड में। आपको ये देखना है कि क्या मेन क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उनसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है क्या, आपसे कुछ वो सोल्व करवाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो स्टेटमेंट फर्स्ट और उसको क्लब करके देखिए, फिर पोजिशन देखिए, फिर जो भी पोजिशन बने, फिर मेन क्वेश्चन और सेकेंड। लेकिन जब सेकेंड स्टेटमेंट पे जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल भूल जाए और फिर उसको देखिए। अगर फर्स्ट से भी हो रहा है, सेकेंड से भी हो रहा है, तो आप ऑप्शन सी Either first or second, कोई भी होगा sufficient। लेकिन अगर इन दोनों से नहीं हो रहा है तो दोनों को क्लब कीजिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो इवन बोथ आर नॉट सफिशियंट। जैसे ही क्वेश्चन आएगी आगे क्वेश्चंस में आप समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक 31 मीटर लंबा कोई वायर दे दिया और इसके तीन टुकड़े कर दिए, थ्री पीसे। हाउ लॉन्ग इज द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट पीस की लंबाई कितनी है। तो अब सिर्फ आपको इसमें लंबाई, टोटल लंबाई दी है और कुछ नहीं दिया। स्टेटमेंट फर्स्ट पे जाइए, फर्स्ट में क्या दिया है, टू पीसेज आर ईच 1 मीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट पीस। अगर मैं ये मान लूं कि लॉन्गेस्ट की x है तो बचे हुए दो x माइनस 1 मीटर और x माइनस 1 मीटर। अब आपको पता है कि इन तीनों का टोटल 31 है। अगर मैं x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 31 करूंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशियंट। सेकेंड पे जाइए, टू पीसेज ऑफ वायर आर ऑफ द सेम लेंथ। सेकेंड में दे दिया कि दो जो है वो बराबर है, मतलब दो तो x और x है और तीसरा वाई। अब आपको दिख रहा है कि इसमें दो वेरिएबल होंगे, इक्वेशन आपकी एक ही बनेगी, 2x plus y is equal to 31, तो दोनों तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो सेकेंड इज नॉट सफिशियंट, तो फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट। ऑप्शन ए को टिक करें और आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मेंस स्पीड इन स्टिल वाटर। इससे बोट एंड स्ट्रीम का, या भले ही वो बोट उसमें तैर रही है या आदमी तैर रहा है, इस इन क्वेश्चंस में हमेशा आप स्टिल वाटर की स्पीड एक्स मानिए और करंट की स्पीड वाई मानिए, या ए बी जो भी आपने एक मन में मान रखी है अज्यूम वही कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपने देखा व्हाट इज द मेन स्पीड, तो आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करवाइए, राइट। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पे आइए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1/3 ऑफ द मेन स्पीड इन स्टिल वाटर। कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम x इज इक्वल टू क्या दिया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम सॉरी y इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मेन स्पीड, 1/3 ऑफ x। ये एक इक्वेशन आपको दे दी कि x इज इक्वल टू 3y है, लेकिन y की वैल्यू पता नहीं है तो x की आप नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट अकेला सफिशिएंट नहीं है। सेकंड पे जाइए, सेकंड में क्या दे दिया, इन्हें एक गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में मेन कैन स्विम ट्वाइस एज फार विद द स्ट्रीम एज ही कैन अगेंस्ट इट। उसके धारा के विपरीत जितने टाइम में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उससे डबल धारा के साथ, इसका मतलब उनके स्पीड का रेशियो आपको दे दिया। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया उसको, x प्लस y जब वो धारा के साथ वो कितनी है, डबल है x माइनस y की, राइट। तो इसमें भी आपको x और y की एक इक्वेशन फिर बनी, लेकिन इक्वेशन बनेगी, y की वैल्यू आपको पता नहीं है तो निकलेगा इससे भी नहीं। तो अगर इसको आप सोल्व भी करेंगे तो क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 2x माइनस 2y, 2x माइनस x, x इस तरफ रह गया, इसको इस तरफ लाओगे तो ये x इज इक्वल टू 3y, वही इक्वेशन वापस बन गई जो फर्स्ट। तो अगर आप इन दोनों को क्लब भी कर लेंगे तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा, क्योंकि एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y, दोनों में एक ही चीज दी है, दो नहीं दी इसने, और इससे x इज इक्वल टू 3y दो वेरिएबल हो गए, इक्वेशन एक है, तो कौन सा आया, इवन बोथ आर नॉट सफिशियंट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स इन ए टू डिजिट नंबर। मतलब कोई टू डिजिट नंबर है, ए बी है मान लो, और उसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स
इनमें ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस कितना है ये आपसे उसने पूछा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपसे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में सम ऑफ द टू डिजिट्स इज 8, उन दोनों का सम दे दिया आपको कि भाई वो 8 राइट है। अब आप इसको ए प्लस बी नहीं लिख के आप ये भी कर सकते हैं कि भाई ए बी अगर आप इसको मानेंगे तो ए जो है वो 10th डिजिट पे है, तो एक तरह से आपकी वैल्यू क्या आ गई, 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। कोई बात नहीं, एक इक्वेशन बन गई लेकिन ए और बी की फॉर्म में, लेकिन दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, सोल्व नहीं कर पाएंगे आप। सेकंड आपको क्या दिया है इसने, 1/5 ऑफ दैट नंबर, 1/5 ऑफ दैट नंबर मतलब ए बी का 1/5 इज 19 लेस देन 1/2 ऑफ 44, 44/2 का से इज 19 लेस, तो अगर इसमें 19 आप जोड़ देंगे तो वो इक्वेट हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ये दूसरी बन गई, तो ए और बी दो वेरिएबल है, तो अकेला इसे सेकंड से भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वेशन एक है वेरिएबल दो है, लेकिन जब दोनों को आप मिलाएंगे तो दो इक्वेशन है दो ही वेरिएबल है, तो दोनों मिलकर इसको सोल्व कर देंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है। तो बोथ फर्स्ट आर सेकेंड आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ 10 टीचर्स ऑफ स्कूल इज ₹4500, मतलब 10 टीचर्स की एवरेज सैलरी आपको दे दी। एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हुज एवरेज सैलरी इज 3000 लीव द स्कूल, एक टीचर्स का एक ग्रुप जिनकी एवरेज सैलरी ₹3000 थी वो तो छोड़ के जा रहा है, एंड 3 न्यू टीचर्स ज्वाइन और 3 नए टीचर ज्वाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ न्यू ग्रुप, जो नया ग्रुप बना है उनकी सैलरी अब एवरेज क्या हुई। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, जिन्होंने छोड़ा उसकी लोडिंग कितनी हुई कम, और जिन्होंने ज्वाइन किया उससे कितनी बड़ी, मतलब आप एवरेज सैलरी, जैसे जो छोड़ के गए जो छोड़ने वाले जो लीविंग टीचर्स हैं उनकी सैलरी आपको दे दी ₹3000 राइट, लेकिन उनका लिविंग टीचर्स के नंबर्स कितने हैं ये चाहिए, और जो ज्वाइन करने वाले टीचर्स हैं उनकी सैलरी चाहिए, और ज्वाइन करने वाले टीचर्स का नंबर इसने 3 दे दिया। तो आपको दो चीज चाहिए, कितने लोगों ने तो छोड़ा और जो ज्वाइन किया उनकी सैलरी क्या है, तो एक क्वेश्चन हल होता है। अब चलिए स्टेटमेंट फर्स्ट पे, देयर आर टू टीचर्स दैट लीव द स्कूल, जिन्होंने स्कूल को छोड़ा वो दो है, इसका मतलब लीव एल लीव वाले टीचर्स की संख्या 2 दे दी, लेकिन ज्वाइन किए टीचर्स ने उनकी संख्या तो है बट उनकी सैलरी नहीं है, तो फर्स्ट अकेला कुछ नहीं कर पाया। सेकंड देखिए, सैलरी ऑफ न्यू टीचर इज 2500, नए टीचर्स की ज्वाइनिंग करने वाले टीचर्स की सैलरी उसमें दे दी 2500, लेकिन जिन्होंने छोड़ा उनके नंबर इसमें सेकंड में नहीं दिए, तो सेकंड अकेला भी कुछ नहीं कर रहा, फर्स्ट अकेला भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये दो अगर दोनों को क्लब करोगे तो जो आपको रिक्वायर्ड था वो दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व अपने को नहीं करना है, इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखिए, एबीसी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 2-3-4, एबीसी ने 2-3-4 के इन्वेस्टमेंट रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है और 3 साल के लिए किया, राइट, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी इन द टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ बी आपसे पूछा है। अब आपको पता है कि जब टाइम इक्वल है 3 साल का तो उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जो पीएपीबी पीसी का रेशियो वही होगा जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो अगर इनमें से किसी का भी अपने को इन्वेस्टमेंट मिल जाए या किसी का भी प्रॉफिट मिल जाए तो दूसरे का आप निकाल लोगे, इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट में से कोई चीज ब्लैक ग्रोस हो या इंडिविजुअल की हो वो आपको चाहिए। अब स्टेटमेंट फर्स्ट पे चलिए, एवरेज अमाउंट अर्न पर ईयर इज 10,500, पर ईयर 10,500 है, तो टोटल प्रॉफिट आपका 3 × 10,500 आ गया। अब आप इसको इस रेशियो में बांट लेंगे तो पीबी निकल गया, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट। टोटल प्रॉफिट सेकंड को चलिए, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज 2/5 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल प्रॉफिट दे दिया 2/5 ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तो आपको पता नहीं, तो यहां से सेकंड से नहीं निकला, तो सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या करोगे, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट, इसको ठीक करो और आगे। अब चलिए ये आगे 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, पूरे एक जगह क्वेश्चन मार्क दिया और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड करनी। अब आप इसमें देखेंगे 125% और 7/6 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 84% ऑफ 1250। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि 125 और 1250 कैंसिल आउट हो रहे हैं,
तो आप कुछ नहीं, सीधा यहाँ 10, राइट। 7 है ये, इससे कैंसिल आउट हो रहा है 12, 12 सत्ता 84, और परसेंट से परसेंट कैंसिल हो रहा है, इसको भी आप कर लीजिए। अब आपका क्या बचा, यहां क्वेश्चन मार्क को अगर मैं एक्स मानू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 गुणा 10 गुणा 6, 12 छिके 72 और एक सिफर 720, इसको टिक करें और आगे बढ़े, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, 52.5 गुणा 18 गुणा 4 भाग 9 प्लस 92 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको मल्टीप्लाई हो तो उसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू मत निकालिए, गुणा 18 गुणा 4 भाग को गुणा कर दीजिए, और जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, हो सकता है कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाए। अब आप इसमें देखेंगे 9 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 9 दुनी 18, अब 4 दुनी 8, 8 को अगर इस 52.5 को आप क्या करें 50 प्लस 2.5 माने हमेशा मनी मन में, और गुणा इसको 8 करें, और ये तो 92 तो बाद में जोड़ ही लोगे आप, तो 50 को यानी इसको 8 को 50 से मैं करूंगा आपको पता है 400 आएगा, और इसमें 20 8 आया 20, तो 20 और जोड़ दूंगा, इसमें 92 जोड़ दूंगा। अब इसमें 400 और ये 90 और 20 110 और दो और जुड़ गए 12, 512 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको पता है कि 512 8 का क्यूब है, तो x इज इक्वल टू 8, 8 को टिक करें और आगे बढ़े। भाग जहां भी दिखे उसको मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ। 58.33% ऑफ 408 इज इक्वल टू 62.5% ऑफ 368 इज इक्वल टू 18 इंटू क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह की परसेंटेज में हमेशा आप देखिए कि इसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू निकल रही है। 58.3% को मैं 33 को मैं मान लेता हूं 50 प्लस 8.33, मनी मन में 50 प्लस 8.33% मैंने इसको मान लिया, तो 50% 408 का कितना, आधा, तो 204, राइट। 8.33 आपको बताया 1/12 इसकी वैल्यू होती है, तो 1/12 गुणा 408 प्लस 62.5 है, आपको पता 5/8 होती है इसकी वैल्यू, 5/8 गुणा 368 इज इक्वल टू 18 गुणा एक्स। अब आप इसको ब्लैक 2 से कैंसिल आउट भी करें तो कर लें, और नहीं कर पाए तो नहीं करें, कोई खास बात नहीं है इससे। 12 को अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 3 36 और 12 4 48, तो ये 204 और 34 ये तो हो गया 238, और यहां आप देखेंगे तो 8 4 32 और 8 6 32 और 8 6 48, ये 46 हो गया, तो 40 5 200 और 5 6 30, तो 230 हो गया, और इसमें बटे 18 कर दो इज इक्वल टू एक्स। अब 200 और 200 400 468/18। अब आप यहां ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको दिख रहा है 18 2 36 108 18 6 108 26, इसको टिक करें आगे। 4096 की पावर 3.7 भाग 256 की 4.3 गुणा 64 की 5 भाग 16 की -4 इज इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे आपको पता है आपको पूरे को 4 की बेस पे लाना है और आपके पास कोई हल नहीं, तो इसको 4 की बेस पे लाने के लिए आप देखिए 4096 इसका स्क्वायर रूट निकाले मत बैठिए। आपको पता है 60 का 3600 है, तो ये 60 से ज्यादा है, कौन सा होगा जो 4 का क्यूब हो रहा है 64। आप इतना रिस्क जरूर लीजिए, आपके नहीं भी हो रहा है तो भी आप 64 मान लीजिए इसको, तो ये क्या है 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर, तो 64 क्या है 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है और ये उसका 64 का स्क्वायर है, और उसका फिर पावर कितना है 3.7 है, तो और भाग 256 की 4 पॉइंट भाग को गुणा कर लीजिए, 1/256 आपको पता है 16 16 256, तो ये क्या आ गया 4 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर और इसकी पावर 4.3, राइट, 16 16 256 और गुणा 64 64, आपको पता है 4 का क्यूब है और उसकी पावर होगी 5, भाग को फिर गुणा कर लीजिए और ये क्या हो गया 16 है, तो 4 का स्क्वायर और इसकी पावर -4 इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब इसमें x की वैल्यू क्या आएगी ये आप निकाल के देखिए, जब भी x की पावर m और इसकी पावर n होगी तो x की पावर m n होती है, ये जरूर ध्यान में रखिए, ये आंसर निकाल के मुझे बताइए। नेक्स्ट जो पांचवा है 56% ऑफ 616 भाग, तो इसमें आप देखिए 56% ऑफ 616 50 प्लस 6% कीजिए, 50 इसका हो जाएगा 308 और 6% हो जाएगा 36.96 और ये -103.96 और इज इक्वल टू एक्स बटा 100 गुणा 482। अब इसमें x की वैल्यू जितना जल्दी आप फाइंड कर सके ये भी मुझे करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस।